this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हमारे सामने है पोको का X4 Pro 5G, जो कि आज हम लोग इसका रिव्यू वगैरह करेंगे, BGMI टेस्ट करेंगे, हीटिंग देखेंगे, टेम्परेचर ड्रॉप, FPS वगैरह, और कैसा परफॉर्मेंस रहता है लो से हाई मोड में, और फोन कैसा सपोर्ट वगैरह करता है नहीं करता है गेम को, कैसा ओवरऑल परफॉर्मेंस है जो मैं आपको बताऊंगा एंड में। और हीटिंग के लिए हम लोग अपना गन भी साथ में रख लिए हैं, जो टेम्परेचर वगैरह मेजर करेंगे इससे। सो बात करते हैं क्विक स्पेसिफिकेशन की जो इसके अंदर मिलता है। सो इसके अंदर जो आपको मिलेगा वो स्नैपड्रैगन का 695 का चिपसेट 6 नैनोमीटर का, जो कि 5G चिपसेट है, जो मैं आपको दिखा देता हूं इसका जो ऑल स्पेसिफिक्स में जाके। और जो आपको रैम जो मेरे पास है वो 6GB का रैम है और 64GB इंटरनल है, 1GB एक्सपेंडेबल टाइप मान सकते हैं आप इसको। MIUI 13 का इसमें जो है वो सपोर्ट है, और एंड्रॉइड 11 पे ये अभी वर्क कर रहा है। तो GPU का बात करें तो इसमें Adreno 619 का GPU है, और जो मैंने स्टोरेज आपको बताया वो 64GB GPU है जो इसमें आपको मिलता है। इसका तीन वेरियंट है, 8GB रैम, और जो स्टोरेज है वो 6128 और 256 तक वेरी करता है। और बात ले जो इसके पीछे का बॉडी डिजाइन वगैरह का, वो आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं डायमंड कट और थोड़े सा आपको लेजर वाले जो रहते हैं ना, वैसा टाइप का आपको पीछे से फिनिश मिलेगा। जो मेन इसका ओवरऑल जो इसको आप अलग बनाएगा सब स्मार्टफोन से, वो है इसका कैमरा सेटअप और जो यहाँ पे पोको का बैचिंग है। सो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 4 मेगापिक्सल का मेन है और 8 और 2, और यहाँ पे आपको इसका जो फ्लैश मिल जाएगा और AI का बैचिंग और पोको का बैचिंग, और नीचे में 5G का बैचिंग मिल जाएगा आपको इसमें। और बात करें तो साइड में आपको वही पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर्स है, और नीचे में आपका सिम कार्ड के लिए है, और इधर आपका साउंड वगैरह के लिए हो गया, और ऊपर में आपको भी एक माइक्रोफोन के लिए जो है भाई ये सबसे जरूरी चीज है वो मिल जाएगा आपको इसका। तो यही था इसका जो ओवरऑल लुक है। तो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट कर BGMI वगैरह, कैसे BGMI खेलेंगे हम लोग, एसफल्ट खेलेंगे एसफल्ट 9, और देखेंगे कि और कैसे इसका परफॉर्मेंस है। बैटरी में जो मैं फुल कर बैटरी परसेंटेज मिलेगा, ब्राइटनेस जो मैं फुल करता हूँ जो बैटरी परसेंटेज मिलेगा आपको वो 78 है, और जो टेम्परेचर है मैं आपको दिखा कर लेता हूँ मेजर, तो पता चल जाएगा क्या है टेम्परेचर। सो अभी 35.9 है, आगे का मान सकते 36 डिग्री है, और पीछे का 35 है। सो खेलते हैं हम लोग गेम, देखते हैं कैसा रहता है। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसमें इसका दिखा देता हूँ ग्राफिक्स क्या क्या सपोर्ट करता है। सो सेटिंग में जाते हैं हम लोग, और इसका ग्राफिक सेटिंग है वो मैं दिखाता हूँ। तो स्मूथ अल्ट्रा है, बैलेंस्ड में आपको अल्ट्रा मिलेगा, HD मिलेगा, HDR नहीं है। सो 40 FPS तक ये ज़्यादा सपोर्ट करेगा जो गेम का एक्सपीरियंस रहेगा। सो पहले हम लोग स्मूथ अल्ट्रा कर लेते हैं, और फिर TDM वगैरह खेलते हैं, फिर हम लोग जो है इसको हाई कर लेंगे धीरे धीरे करके, आपको पता चल जाएगा, और टेम्परेचर वगैरह का भी आपको आइडिया लग जाएगा कैसा है। सो पहले TDM खेलते हैं 8v8 का, स्टार्ट करते हैं TDM के साथ में जो नॉर्मल वाले है। बात करें साउंड का, जो इसका स्पीकर वगैरह वो आपको ऊपर नीचे एक साइड में और कोई साइड में मिल जाता, तो आपको थोड़ा जो साउंड है मैं इसको फुल कर देता हूँ, अब पता चल जाएगा आपको गेम वगैरह मिल जाएगा। जायरोस्कोप है, मैं इसका वो ऑन कर देता हूँ, आपको जायरो का भी पता चल जाएगा आपको कैसी। मेन जो इसका हाईलाइट है आपको क्या कहते हैं 120Hz का, जिसका जो रिफ्रेश रेट है वो मिल जाएगा 1200 nits का, तो आपको बहुत ज़्यादा ही ब्राइट लगेगा फोन अगर फुल ब्राइटनेस में जो खेलिएगा। तो ये था हम लोग का TDM, हम लोग क्लासिक वगैरह खेलते हैं फिर देखते हैं। अभी तो TDM में भाई बहुत सारा चला, ब्राइटनेस वगैरह हो गया, AMOLED डिस्प्ले जो इसका सपोर्ट करता है, भाई साहब ब्राइटनेस तो बहुत ही ज़्यादा है भाई, 1200 nits का ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आता है। क्लासिक लगाते हैं एक नॉर्मल, और फिर देखा जाए। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिक के साथ। अभी जो आपको हीट फील होगा वो यहाँ पे कैमरा का जो यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा खाली एरिया जो पोर्शन है यहाँ पे आपको हीट फील होगा, ये इसका थोड़ा सा डिमेरिट मुझे लग रहा है। लैंडिंग से हम लोग देखते हैं पैराशूट वगैरह का क्या फ्रेम रेट ड्रॉप करता है या नहीं करता है। अभी तक तो भाई कुछ नहीं ड्रॉप किया, अभी तक तो बहुत ही स्मूथ चल रहा है, अभी तो स्टार्टिंग ही गेम का, एक घंटा वगैरह खेलते हैं फिर देखते हैं। जंप वगैरह में रेंडर वगैरह भी बहुत जल्दी कर दे रहा है। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away. कैसा रहता शन ऑफ में बूट कैंप ही कूदेंगे पता नहीं सर्वाइव करेंगे कि मर ही जाएंगे भाई साहब फ्रेम अटका जंप करें तो आपका थोड़ा एफपीएस वगैरह भी जो है वो डाउन होगा और 20 तक पहुंचा दे रहा है 40-41 से। बाप रे बाप मेरा तो गेम ऐसे ही अटक रहा है भाई। ओ भाई 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 क्या अटक रहा गेम, बाप रे बाप, ना ना शनॉक नहीं हो पाएगा, बहुत अटक रहा। टीने वगैरह ही देख लेते भाई और खेलते, शनॉक तो बिल्कुल नहीं, अटक भी बहुत रहा था भाई गेम। अब हम लोग जो इसका घर का जो ग्राफिक्स है वो हम लोग कर लेते हैं भाई HD हाई, यही जो इसका है जो मैक्स है ग्राफिक्स हाई कर लिए हैं। TDM खेलते हैं और फिर देखते हैं परफॉर्मेंस वगैरह का क्या सीन रहता है। अभी तो बढ़िया चल रहा है ग्राफिक्स पे। हाई में थोड़ा सा आपको अटकेगा ज़्यादा से। nice.
Yes. Impressive. इसको कहते हैं मार द बीट, मार बीट। सो ये था हम लोग का टीडीएम। अब हम लोग एक बार इसका टेम्परेचर ले लेते हैं और फिर एस्पॉल देखते हैं खेल के। सो टेम्परेचर 39 पहुंच चुका है और जो पीछे का यहाँ का है मैक्स वो भी आप में 39 आ गया, 38 पीछे का है। अब जो मैं आपको एस्फल्ट वगैरह ऑन करता हूँ अभी दिखाते हैं इसका ग्राफिक्स वगैरह कैसा रहता है कैसा है। और आपको एक ये भी मिल जाएगा इसका सारे फ़ोन में लगभग बिल्ट ही आने लगे हैं जो गेम टावर वो वगैरह, इस पर आप FPS वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। ग्राफिक क्वालिटी तो बहुत सही है, जिसका ब्राइटनेस हो गया एस्फल्ट वगैरह का या सॉरी फ़ोन सपोर्ट का भाई आवाज़ तो बहुत ज़्यादा है, कम कर दिया कम कर आवाज़। ग्राफिक्स तो भाई बहुत प्यारा बहुत ही प्यारा, अगर हम उसको ग्राफिक्स जो है वो हाई कर लेंगे कुछ लाएंगे मीडिया वगैरह तो होगा भाई। पहले तो सिखाते हैं यार ये तरह का लगिन का सीन, चलिए इससे पता चल जाएगा गेम का क्या अच्छा सपोर्ट है। बहुत प्यारा चल रहा गेम। एक मैच और खेल लेते हैं, अब देखते हैं ग्राफिक्स वगैरह पहले हाई कर लेते हैं फिर देखते हैं एक मैच और एस्फल्ट का फिर बताते हैं। ओके FPS वगैरह वही 30-40 तक इनके बीच रहेगा। गेम सेटिंग साउंड एंड द डिस्प्ले विजुअल क्वालिटी कर लेते हैं हाई। ये स्टार्ट हो रहा है भाई हाई क्वालिटी पर, अब हम लोग हाई क्वालिटी कर लिए हैं गेम का, अब देखते हैं खेल के एक और क्या फ़र्क पड़ता है। अरे भैया पता है यार तो बहुत बढ़िया चल रहा है। गाइस हम लोग एस्फल्ट हाई ग्राफिक्स पे बहुत प्यारा चल रहा था, जो हम लोग डिस्प्ले वगैरह हो गया इसका सब कुछ बहुत ही बढ़िया से हैंडल कर रहा था। जो प्रोसेसर हो गया 695 का जो उसके जो चिपसेट है बहुत प्यारा चला रहा था क्वालकॉम का। तो हम लोग ओवर अब जो है लास्ट टेम्परेचर देख लेते हैं कितना तक जाता है। तो वही 39.5 टच किया है आगे से और जो पीछे से जिसका टेम्परेचर है बैक बॉडी का वो 38-39 के लगभग, ये भी 38.5 के लगभग। सो बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन का, कैसा परफॉर्मेंस दिया हम पोको X4 प्रो 5G ने और जिसका 695 का क्वालकॉम का जो उसका प्रोसेसर है। तो हाँ मैं कहूँगा डिसेंट से थोड़ा बढ़िया ही परफॉर्मेंस था। ये है कि आप हाई क्वालिटी पर अगर ज़्यादा देर गेमिंग करें, जैसे कि मैंने BGMI वगैरह खेला तो वहाँ पे आपको थोड़ा लैग वगैरह मिलेगा और FPS ड्रॉप आपको ज़्यादा फाइट में, अगर आप लगातार क्या कहते हैं जैसे मैंने 1 घंटा सुपर लगातार गेम खेला तो मुझे कहीं ज़्यादा जल्द से 2-3 स्क्वाड आगे फाइट हुआ तो वहाँ पर आपको FPS ड्रॉप मिलेगा, थोड़ा लैग मिलेगा, थोड़ा अटकेगा गेम। नॉर्मल स्मूथ एक्सट्रीम में चलाइए, नॉर्मल जो क्वालिटी था जो शुरू में मैंने चलाया था BGMI उससे बहुत प्यारा चल रहा था। तो और जो बैटरी इसने डिसिपेट किया जो कि अभी देख सकते हैं आप 67%, तो हाँ 78% था लगता, 11% जिसने 1 घंटे में किया, तो भाई बहुत ही तगड़ा चल रहा है जो इसका जिसके अंदर जो बैटरी दिया गया है 5000 mAh का, तो भाई बढ़िया क्या कहें बढ़िया सुपर ही परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ओवरऑल तो मुझे बढ़िया लगा, बस आपको थोड़ा सा पीछे अगर आप बैक कवर है तो लगा के सब खेलते ही हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट
वगैरह फिंगर्स का ज़्यादा आपको यहाँ पे दबा दबा टाइप दिख जाएगा, और इसके कैमरा जहाँ पे पोको वगैरह का बैचिंग है यहाँ पे तो ब्लैक है तो और ज़्यादा पता चलता है। स्पीकर्स वगैरह भी बढ़िया है, फ़ोन भी तगड़ा है, अगर आप ले रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नॉर्मल गेम खेल सकते, नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, ज़्यादा देर अगर लगातार कीजिएगा तो आपको दिक्कत है, रुक रुक के खेलिएगा बीच में और ब्रेक ले लेंगे तो आप बिल्कुल ही कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था पोको X4 Pro 5G का आपके सामने BGMI टेस्ट वगैरह कैसा है क्या है जो सब कुछ मैंने बता दिया आपको। 20K के अंदर ये फ़ोन मिल रहा था, 19K ऐसा का अप्रॉक्स मिल रहा है ये फ़ोन अभी फ्लिपकार्ट वगैरह पे। बिल्कुल आप जाइए परचेज कीजिए, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जा सकते हैं और बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं फ़ोन को। ओवरऑल लुक वाइज बढ़िया है, जो इसका एमोलेड डिस्प्ले हो गया, स्प्लैश प्रूफ भी एक फ़ोन है जो मैं अभी बता रहा हूँ लास्ट में, जो कि स्प्लैश प्रूफ भी फ़ोन है तो आप बिल्कुल। और जो इसका मैं आपको AnTuTu का स्कोर है वो भी मैं आपको दिखा, तो जिसका AnTuTu का स्कोर जो है जैसे कि मैंने बोला 385,000 है तो बढ़िया ही है। जो CPU वगैरह का GPU सब कुछ आप देख सकते हैं इसके अंदर, जो AnTuTu का स्कोर है कितना क्या नहीं है, तो हाँ बढ़िया है, ओवरऑल सब कुछ सही है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा नहीं 39.5 तक गया तो वहाँ भाई अभी गर्मी का भी चल रहा है मौसम वगैरह, तो उससे भी ओवरऑल फ़र्क पड़ता है। तो यही था, बताइए कैसा लगा आपको फ़ोन, कैसा रहा सब, और मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, गेमिंग कीजिए। तो वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।